जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी एवेंस पे। तो साथियों, आईटीआई अनुदेशक, जिसे आप आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भी कहते हैं, तो आज मैं दो राज्यों का बहुत बड़ा बड़ा अपडेट देने वाला हूं। पहला हम यहां बात करने वाले हैं एमपी मध्य प्रदेश का, जहां की आप देख पा रहे होंगे यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिया जा चुका है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, अनुदेशक के लिए रूल बुक जो है जारी किया जा चुका है, जिसमें कि आप लोगों के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेबस क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सभी चीज यहां बताने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पे जेएसएससी, जो कि झारखंड का जो आईटीआई अनुदेशक का जो फॉर्म जो फिल किया जाना था, जो कि लगभग 700 प्लस पोस्ट के लिए, वो आज दिन से 18 तारीख से फॉर्म फिलअप किया जाना था। 19 नवंबर तक समय था इस फॉर्म को भरने के लिए, बट ये पता नहीं आज ही जो है इसे एक्टिव भी किया गया था और इसको पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया है। इसका रीजन क्यों पोस्टपोन्ड किया गया, और अगर फिर से लिंक आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो झारखंड का हो गया, झारखंड का भी वैकेंसी जो है कतार में, और इधर एमपी का भी। तो चलिए, मैं एमपी का इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं। तो इस रूल बुक को हमने यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लिया है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या निकाला गया, देखिए आप लोगों का जो ये आपका तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022 के लिए। बट सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे दे दी गई है कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। मतलब यहाँ पे कि ये जो फॉर्म जो फिलअप करेंगे, ये मध्य प्रदेश के ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ जरूरी जो बातें हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बाद परीक्षा किस तरह से लिया जाएगा, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब आएगा, फीस वगैरह सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 नवंबर से आप लोग के फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। पोस्ट की बात कर दें, यहाँ पे पोस्ट टोटल रहने वाला है 305। हम अभी दिखाएंगे आपको कौन कौन ट्रेड से कितनी कितनी वैकेंसियां दी जाने वाली है। तो 305 टोटल पोस्ट रहने वाला है, और फॉर्म भरने का जो है 11 से ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र, उसको देखिए अंतिम तिथि जो रखी जाएगी ये महज 15 दिन के लिए रखा जाएगा, मतलब 15-11 तक लास्ट डेट हो जाएगा फॉर्म भरने का। उसके बाद देखिए संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन का भी डेट वही है 1/11, और फॉर्म फिलअप का भी 1/11। अब देखिए संशोधन करने का अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 20/11 रखा गया है, समझ गए। आगे अगर बात करेंगे परीक्षा दिनांक व दिन का, तो एग्जाम का भी डेट दे दिया गया है, जो कि है 16/12 से आरंभ यहां दे दिया गया, मतलब 16 दिसंबर से आप लोगों का एग्जामिनेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु के लिए यहाँ पे देखिए अनारक्षित जो कैंडिडेट्स है, जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं, उनको ₹500 यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो ST/ST OBC या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं वहां के, मतलब एमपी के, उनको ₹250 पेमेंट करना पड़ेगा फीस। ओके, और बैकलॉग वाले अगर कोई कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी शुल्क यहां पे नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को पता होना चाहिए, अगर एमपी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपको चीज पता होगा कि वहां दो माध्यम से फॉर्म भरा जाता है, एक तो कियोस्क जो होता है उसके माध्यम से, तो वहां पे अगर उसके माध्यम से, देखिए कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ₹60 का आपको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कियोस्क के माध्यम से भरते हैं, और नहीं तो इसके अतिरिक्त देखिए रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर आप लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो उसमें ₹20 का आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो ये दो माध्यम है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। देखिए एग्जामिनेशन जो होगा 16 तारीख को, उसका कुछ यहाँ डेट्स मतलब की टाइमिंग भी दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो होने वाला है क्या, तो 2 घंटे का पेपर देखिए 9 से 11 होने वाला है, और फिर सेकंड सेटिंग जिनका पेपर होगा उनका 2 बजे से 4 बजे तक पेपर होगा। ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पहले बुलाया गया है, 7 सुबह के 7 से 8 बजे के बीच आपको पहुंच जाना है, और सेकंड सेटिंग जिनका पड़ेगा वो 12 बजे से 1 बजे तक उनको पहुंच जाना है। देखिए यहाँ पे आपको आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है, जिसमें की आप लोगों को एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब आपको लेके जाना चाहिए। ये एग्जाम के टाइम का बात है, इसमें अभी इससे इसमें परेशान नहीं होना है। हालांकि आपका बायोमेट्रिक भी कराया जाएगा परीक्षा केंद्र में, और समय के बाद पहुंचते तो अलाउ नहीं किया जाएगा, साथ में आपको कैलकुलेटर टेबल ये सब आपको लेकर के नहीं जा सकते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा भी होगा, फॉर्म भी आप लोग का ऑनलाइन ही होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए बॉल पेन बोला गया हलाने के लिए, ठीक है,
खैर चलिए अब अगर हम नीचे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा पीडीएफ है, लगभग 61 पन्नों का यहाँ पीडीएफ है, तो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़िएगा मेरा, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा जो ये है आपका आयोग है, वहां पे अनुसूचित जाति के लिए 20% सीटें रिजर्व रहती है, जो वैकेंसी आती है, फिर अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, ये हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और जो ओबीसी है उनके लिए 27% और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% और बाकी जो बच गया वो जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ पे जो आयु सीमा रखी गई ये मिनिमम 18 वर्ष से कम ना हो, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो देखिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। ये हो गया आपका सीधी भर्ती के लिए, खुली प्रतियोगिता में, मतलब ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और अगर बात करेंगे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए देखिए यहाँ पे अतिरिक्त 5 वर्ष का यहाँ पे छूट रख दिया गया है, मतलब 45 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन होना और भी बहुत बहुत जरूरी है, जो कि क्या कहलाता है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर कोई फॉर्म आप भर रहे हैं उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात की परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है ये, ओके। तो मैंने इसका जिक्र पहले ही स्टार्टिंग में कर दिया था। यहाँ पे एक बार फिर से 8.6 में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि मूल निवासी के लिए ही ये फॉर्म निकाला गया है। बात करते हैं एग्जाम जो होने वाला है, उसमें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से रहने वाला है। देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन में 75 जो है 75 जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा वो आपके ट्रेड से रहेगा, जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से 75 क्वेश्चन रहेंगे, फिटर तो फिटर से रहेगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो बाकी का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी रहेगा, बट वो किससे रहेगा, तो आपका नॉन टेक से रहेगा, मतलब कि जैसे कि इसमें देखिए दे दिया गया इन्हीं चारों से रहेगा, जैसे कि विज्ञान एवं गणित मतलब साइंस एंड मैथ्स रहेगा, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज रहेगा, तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग से रहेगा, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान मतलब कि बेसिक कंप्यूटर साइंस से आप लोगों को क्वेश्चन देखने मिलेगा 25। ये टोटल जो है इन चारों सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन किस रहेगा आप लोगों का जो ट्रेड है उससे, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है गाइस, ठीक है। तो आप इसमें पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, बट यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो मिनिमम कट ऑफ भी तय किया गया है, जहां की अगर आप यहाँ पे अनारक्षित और साथ में पिछड़ा वर्ग, ठीक है, मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है। कहने का मतलब अगर 100 मार्क्स का वो एग्जाम हो रहा है, वैसी स्थिति में आपको 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है, नहीं तो आप बिल्कुल उस वैकेंसी से ही बाहर हो गए, ठीक है, बट डिस्क्वालीफाई हो गए। और फिर जो एसटीएससी है या फिर ईडब्ल्यूएस है उनको 36% लाना है, मतलब 100 में 36 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, बट वो उतना मार्क्स या उसके अभाव ले आते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन होगा। हाँ, आप मेरिट लिस्ट में जाने के लिए आप जो है योग्य माने जाइएगा। अब जो टॉप वाले जो होंगे, जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा देखने को कि आपका हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो सीधी भर्ती होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा वो टोटल 244 सीट्स का होने वाला है, ठीक है, जहां की जनरल का 69, ईडब्ल्यूएस का 22, फिर यहाँ पे एसटीएससी सबका दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो 20% जो है संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित है, मतलब कि जो ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वहां पे 20% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है, जो कि हो जाएगा 61, ठीक है। तो 61 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व है, तो टोटल अगर मिला देते हैं तो हो जाता है 305 टोटल सीट हो जाता है। अब कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि परीक्षण प्रशिक्षण पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 20 सीटें यहाँ पे खाली हैं। उसी तरह डीजल मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए 40 सीटें हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे हालांकि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सीट्स को। उस वक्त फिर आरएसी के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पे ड्रेसमैन मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल उसके लिए है, ड्रेसमैन सिविल, यहाँ ड्राफ्टमैन होना चाहिए, ओके। तो डी ये हो गया आपका, डीएमएम हो गया, डीएमएम के लिए हो गया ये आपका 7 सीट है, फिर डीएमसी के लिए हो जाएगा 19 सीट है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए 48 सीट है, फिर यहाँ पे कोपा वालों के लिए, ठीक है, तो कोपा वालों के लिए 48 सीट है। उसी तरह से फिर यहाँ फिटर की बात करेंगे तो 24 टोटल सीट निकाला गया है, फिर ड्रॉइंग या जो है गणित मतलब कि डब्ल्यूसीएस या इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के लिए 24 टोटल सीट निकाला गया है। स्टेनो हिंदी, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ आईटीआई पास के बच्चे या इंजीनियरिंग फील्ड से जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही भर सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर का फॉर्म, 10 नंबर वाला जो पॉइंट है जो कि स्टेनो हिंदी, ये जनरल लड़का भी
भर सकता है इस कैटेगरी के लिए, ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन किया हुआ उसको वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, भर सकते हैं। उनका टंकन वगैरह भी मांगा जाएगा, हिंदी टाइपिंग भी मांगा जाएगा, तो यहाँ पे तीन पोस्ट उन लोगों के लिए भी है। आगे अगर बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दिया गया है, जहाँ 5 टोटल सीट है, डीजल मैकेनिक है, फिर यहाँ RAC है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से वही सभी चीजें रिपीट हो रही हैं, बट यहाँ पे देखिए ये कहाँ से है, तो तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर, जबलपुर का वो अभी जो देखिएगा, और ये वाला भी वहीं का है, जबलपुर का ही है, बट यहाँ पे देखिए ये आई थिंक यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला जो है ना, मतलब इसके लिए बैकलॉग वालों के लिए, ठीक है, जो कि 20% इनके जिनका सीट रिजर्व है उनके लिए यहाँ पे इन ट्रेड से ये वैकेंसी दिया गया है। तो ऊपर का जो मैं बताया ना आप लोगों को, ये भी वहीं से है, तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर से ही है, बट ये डायरेक्ट भर्ती है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सीधी भर्ती संविदा वाला नहीं है, ये ऊपर वाला 244 टोटल सीट वाला जो था, और नीचे वाला जो है ये आप लोगों का 20% जो ऑलरेडी वहां पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए 61 टोटल है। यहाँ पे आप लोग अपना देख लीजिए, RAC का है, फिर DMM का है, DMC का है, फिर इलेक्ट्रीशियन का है, कोपा का है, फिर यहाँ पे WCS और ड्रॉइंग का, हिंदी का है, तो इस तरह से टोटल 61। ऑलराइट, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या रखा गया है। उसके पहले देखिए वेतन मान जो है 32,800 से लेकर के 1,03,600 तक यहाँ पे आपका पे स्केल रहता है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल कर दिया गया है, मतलब यहाँ 10th, ओके, तो अलग अलग इससे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 20 टोटल पोस्ट है, इसी तरह से हर ट्रेड का दिया गया है। तो जैसे इसका मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है कि हाई स्कूल, मतलब 10th कहा गया है, 10th, और उसके साथ में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि NCVTR या फिर SCVT किसी से भी, अगर आप RTI किए हुए हैं 2 वर्ष वाला जो है, या फिर NACV किए हुए, मतलब अप्रेंटिसशिप भी अगर किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे CITS का कहीं या फिर CTI का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो CITS इस MP राज्य में कंपलसरी नहीं रखा गया है, जैसा कि ये रूल बुक में दिया गया है, कहीं CITS का जिक्र ही नहीं किया गया है, बट झारखंड की बात करेंगे तो वहां पे CITS कंपलसरी कर दिया गया है, इवन UP में कर दिया गया है, बिहार में कर दिया गया है, सभी जगह से CITS कंपलसरी कर दिया गया, बट यहाँ पे नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है ये तो बोर्ड ही बताएगा। खैर, दूसरा क्वालिफिकेशन ये भी है कि आपका अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास है, ऐसी स्थिति में भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बट आप जैसे कि मान लेते हैं मैकेनिकल ग्रुप से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने जो है डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो ऐसी स्थिति में आप फिटर ट्रेड भरिएगा या फिर वेल्डर ट्रेड भरिएगा, इस तरह से जो आपके योग्य होगा। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, डीजल मैकेनिक के 40 पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्या रखा गया है, ठीक है। बट यहाँ बेसिक जो है 10th, साथ में ITI अगर किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप NAC किए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं, डिग्री का किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, जैसे आपको पता है कि ITI में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है ITI अगर किए हैं तो, और डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का अनुभव मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और बीटेक किए हैं तो 1 साल का अनुभव मांगा जाता है। यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है, जैसा कि इस PDF में आपको मैं देख करके बता रहा हूँ। दूसरी बात कि यहाँ पे CITS का भी कोई कंपलसरी ऐसा नहीं लिखा गया है। और तो ये पूरा योग्यता का बात था, तो यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट लगभग सभी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है, और सिलेबस वगैरह भी जारी किया गया है, सिलेबस भी आप लोग देख पाइएगा, और जितना भी स्क्रॉल हो रहा है सभी यहाँ देख लीजिए, सभी यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का देखिए यहाँ पे सभी कुछ दिया गया है, मतलब कोई कि आप किस बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ बस वही सारी चीजें हैं। हाँ, दूसरी बात कि हिंदी स्टेनोग्राफर जो है, हिंदी स्टेनोग्राफर उसके लिए योग्यता रखा गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी का जो है स्टेनो हिंदी के लिए टोटल यहाँ पे एक पद हालांकि दिखा रहा है, बट ये इसके लिए है, मतलब बैकलॉग वालों के लिए, और रेगुलर वालों के लिए 3 सीटें थी। तो यहाँ पे देखिए स्नातक या स्नातक कोर चाहिए उसके लिए, पहला बात। दूसरी बात की 100 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी शीघ्र लेखन ये होना चाहिए, और भी यहाँ पे देखिए 20 शब्द प्रति मिनट के साथ आपको टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, ये सभी चीजें दी गई हैं। तो बस यहाँ पे इतना दिया गया है। और देखिए अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं,
तो एक ही एप्लीकेशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज और दे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का यही फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है, 100 प्रश्न रहता है। देखिए 100 प्रश्न अगर रहता है जिसमें 100 प्रश्न है, इसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, जहां कि अगर दो प्रश्न को अगर गलत कर दिया जाए तो वहां पर इस तरह का रूल को अपनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स आप लोग को मिल जाएंगे, इन फॉर्मेट्स का आप लोग को उपयोग होगा, तो इसका आप प्रिंट करा करके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन जो था ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। लगभग सभी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, वैसे 61 पन्नों का ये जो है नोटिफिकेशन है। तो कुछ अगर पॉइंट्स मिस हुआ होगा, छूटा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि और अदर बच्चों को भी पता चल सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो MP राज्य के खासकर जो बच्चे हैं वो आपस में जरूर शेयर कीजिए, और अदर स्टेट के बच्चे तो हालांकि इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अदर स्टेट के बच्चे जुड़ जरूर जाइएगा चैनल से, ताकि आपके स्टेट में जब वैकेंसियां आएंगी तो आप लोग आप तक मैं अपडेट पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद।